दीपिका पादुकोण की बिकनी को देखकर आहत होने वाली जमात अब और भी ज्यादा आहत हो गई है। दीपिका के बदन को निहारने वालों ने इस वक्त पूरे देश में कहर ढा रखा है, चारों तरफ हंगामा किया हुआ है। रजाई में घुसकर अक्खा इंडिया ने पठान मूवी के बेशरम रंग का जलवा देख लिया है। लेकिन अब दीपिका कैसे नाचेंगी, किस तरह से नाचेंगी, कितनी देर कमर हिलाएंगी और तो और किसकी बाहों में कितनी देर शूटिंग करेंगी, अब इसे तय करने के लिए साधु संतों ने कमर कस लिया है। क्योंकि मोदी जी से साधु संतों का मोह भंग हो चुका है, इसलिए अब हमारे देश के उन साधु संतों ने बॉलीवुड की कमान अपने हाथों में ले ली है जो कल तक सऊदी अरब में काबा शरीफ को शिव मंदिर बता रहे थे। अब वही लोग दीपिका के बिकनी की साइज तय करेंगे, रंग तय करेंगे कि आखिर दीपिका क्या पहनेगी, कैसे नाचेगी, कैसे गाएगी। क्योंकि मोदी जी का फिल्म सेंसर बोर्ड एकदम निकम्मा हो चुका है, इसलिए अब हमारे देश के साधु संतों ने खुद क्या फिल्म सेंसर बोर्ड बना लिया है जिसका नाम है धर्म सेंसर बोर्ड। चलिए दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में आहत गैंग ने इस वक्त बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। भले ही मोदी जी के फिल्म सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो जाए, लेकिन उसे तब तक पूरे देश में रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक हमारे देश के साधु संतों का बनाया हुआ धर्म सेंसर बोर्ड फिल्म की रिलीज को मंजूरी नहीं दे देता। वरना साधु संतों के श्राप से बड़े बड़े अंग्रेज भाग गए, चाइनीज भाग गए, मुगल दफा हो गए, इनके आगे सरकारी फिल्म सेंसर बोर्ड की क्या बिसात है, शराब से भस्म हो जाएंगे। मतलब जिनके खुद की दुकान जनता के चंदे पर टिकी हो, जिनके खुद का भविष्य जनता के चढ़ावे पर टिका हुआ हो, अब वो लोग तय करेंगे कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी और कौन सी फिल्म बैन होगी। मतलब अब साधु संत ही तय करेंगे कि सलमान खान की शर्ट को फटने से कैसे रोका जाए, उनके नंगे बदन को दर्शकों को देखने से कैसे रोका जाए। साधु संत तय करेंगे कि नारंगी बिकनी को भगवा बिकनी कहा जाएगा या गेरुआ। साधु संत तय करेंगे कि कौन सा गाना संस्कारी होगा और कौन से गाने पर त्रिशूल चलेगा। त्रिशूल इसलिए क्योंकि इनके हाथों में कैंची नहीं होती, वरना वो कैंची चलाते। मतलब अक्षय कुमार टिप टिप बरसा पानी में कैटरीना के भींगे बदन को देखकर टच करेंगे या फिर दूर से प्रणाम करेंगे, इस बात को साधु संतों का बनाया गया फिल्म सेंसर बोर्ड यानी धर्म सेंसर बोर्ड ही तय करेगा। बीजेपी सांसद निरहुआ अपनी भोजपुरी फिल्मों में आम्रपाली दुबे के साथ खटिया पर भजन गाएंगे या फिर कामुक और अश्लील डांस करेंगे, अब इसे साधु संत तय करेंगे। साधु संतों का बनाया गया धर्म सेंसर बोर्ड ही तय करेगा कि बीजेपी सांसद रवि किशन ज्वाला मंडी में आग भड़काएंगे या फिर बारिश में ज्वाला को शांत करेंगे। अब धर्म सेंसर बोर्ड तय करेगा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दारू पी के छम्मक छम्म छम करेंगे या फिर छम्मक छल्लो गाएंगे। अब धर्म सेंसर बोर्ड तय करेगा कि भगवादारी सांसद हेमा मालिनी नारंगी रंग के कपड़े में मुजरा करेंगी या फिर भगवा में जलवा बिखेरेंगी। शायद साधु संतों का बनाया धर्म सेंसर बोर्ड अब यह भी तय करेगा कि बॉलीवुड की बनी तमाम फिल्मों में नारंगी कपड़ों में छम्मक छम करने वाली हीरोइनों को संस्कारी कहा जाएगा या फिर उनको बेशरम कहा जाएगा या फिर उनकी तमाम फिल्मों को बैन किया जाएगा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, बॉलीवुड में अभी मुसलमानों की जबान और खान जैसे सरनेम का सिक्का चलता है। इसी नाचते हुए सिक्के को शांत करने के लिए साधु संत धर्म सेंसर बोर्ड बना रहे हैं, यानी लव जिहाद, लैंड जिहाद, फल जिहाद, नल जिहाद, टोटी जिहाद, तेल जिहाद, नौकरी जिहाद के बाद अब बॉलीवुड ने बिकनी जिहाद जो शुरू किया है, उस बिकनी जिहाद को शांत करने के लिए हमारे साधु संत अब बिल्कुल आगे आ चुके हैं। साधु संत और महात्माओं ने इसका इलाज खोज दिया है। अब दीपिका के बदन पर बिकनी का रंग कौन सा होगा, इसे तय करने का हक भारत सरकार के फिल्म सेंसर बोर्ड का नहीं होगा, बल्कि साधु संतों का बनाया हुआ धर्म सेंसर बोर्ड ही तय करेगा कि दीपिका कौन कौन से संस्कारी डांस करेंगी, कौन कौन सी बिकनी पहनेंगी और गाने के बोल में बेशरम रंग रहेगा या फिर संस्कारी रंग। सब कुछ साधु संत ही तय करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि धार्मिक कार्यक्रमों और नेताओं की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगावेलु जब लिपस्टिक हीले ला आरा डिस्ट्रिक्ट और छलकत हमरो जवनिया राजा जैसे मटकी के पनिया जैसे अश्लील गानों पर डांस करने वालों की अब खैर नहीं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर हंगामा अब साधु संतों के आश्रमों तक पहुंच चुका है और अब साधु संत ही तय करेंगे कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी और कौन सी रिलीज नहीं होगी। मतलब अगर संस्कार के दायरे में फिल्म बनाई जाएगी, साधु संत इसका विरोध नहीं करेंगे।
पूजा पाठ और नारंगी कपड़े अगर नजर आ जाएंगे तो फिर सोच लीजिए, हमारे देश के साधु संत अपने आश्रम में बैठे बैठे ही शराब से जिहादी गैंग को बिल्कुल भस्म कर देंगे। अब जिहादी गैंग किसे कहते हैं आप ये मत पूछना, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि निशाने पर किसे लिया जा रहा है इस धर्म सेंसर बोर्ड के नाम पर। ये बवाल शाहरुख खान की पठान मूवी के वक्त ही क्यों शुरू हुआ, इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा, इसे साजिश बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने जा रहे हैं जो जल्द ही काम शुरू कर देगा। ये बोर्ड स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की देखरेख में काम करेगा। मीडिया से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धर्म शोधन सेवालय यानी धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें 11 सदस्यों को शामिल किया गया है, यानी सब कुछ कर लिया गया है। धर्म सेंसर बोर्ड का प्रमुख कार्यालय दिल्ली NCR में होगा, जल्द ही सभी राज्यों और जिलों में इसके कार्यालय शुरू किए जाएंगे। 15 जनवरी को दिल्ली कार्यालय शुरू कर दिया जाएगा, जबकि प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में धर्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म निर्माताओं के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। यानी कि अब मोदी जी का सरकारी फिल्म सेंसर बोर्ड किसी काम का नहीं रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि फिल्मों में जहां कोई कमी दिखानी हो तो हिंदू धर्म, और जहां अच्छी दिखानी हो दूसरे धर्म का जिक्र की परिपाटी चली आ रही है और इसे खत्म करना है। इनके कहने का मतलब यह है कि फिल्मों में हिंदू धर्म की बुराइयां और खामियों को दिखाया जाता है जबकि दूसरे धर्मों की खूबियां दिखाई जाती हैं। सोचिए पठान मूवी में चंद सेकंड के बिकनी के सीन पर इतना बवाल है, आमिर खान की पीके और परेश रावल की ओ माय गॉड के वक्त अगर इतना बवाल हुआ होता तो आमिर खान और परेश रावल कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अब सुनिए कि इसके आगे स्वामी जी और क्या क्या कहते हैं। बॉलीवुड के टीवी सीरियल समेत OTT प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही फिल्मों और सीरियल्स में हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए हम धर्म सेंसर बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। इस सेंसर बोर्ड के तहत 11 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के वकील, धर्माचार्य, मीडिया का प्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, फिल्म अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर यूपी फिल्म सेंसर बोर्ड के उपाध्यक्ष तक को शामिल किया जाएगा। यानी जो अभी यूपी फिल्म सेंसर बोर्ड अभी बना भी नहीं है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पहले से ही रूपरेखा तैयार हो चुका है। सभी सदस्य बोर्ड के संरक्षक को हिंदू धर्म की रक्षा के बारे में राय मशवरा देंगे, परामर्श देंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड फिल्मों, टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही धार्मिक पात्र, उनके डायलॉग, रंग, तिलक, स्क्रिप्ट का जायजा करेगी, यानी समीक्षा करेगी। अगर किसी भी फिल्म में हिंदू धर्म, वेदों और पुराणों की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो उस पर बोर्ड एक्शन लेगा। इसके अलावा ये बोर्ड स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस, नाटक, वैदिक धार्मिक लीलाओं के मंचनों की भी समीक्षा करेगा। धार्मिक सेंसर बोर्ड धर्म के संत समाज, धार्मिक संस्थानों, धार्मिक पुस्तकों पर दिए जाने वाले बयानों और भाषणों की भी निगरानी करेगा और इसकी समीक्षा करेगा। वल्ला, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो फिल्म निर्माता हमसे मदद लेगा या हमारी धार्मिक गाइडलाइन के हिसाब से फिल्म तैयार करेगा उसे धार्मिक सेंसर बोर्ड एक प्रमाण पत्र भी मुहैया कराएगा। अभी सेंसर बोर्ड के पंजीयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में संतों, आचार्यों और धार्मिक सेंसर बोर्ड के सदस्य द्वारा फिल्म निर्माताओं के लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा। मतलब अब सब कुछ यही लोग तय करेंगे। क्या स्वामी जी बताने का कष्ट करेंगे कि आतंकवादी के तौर पर मुसलमानों के किरदार को दिखाए जाने पर उनका धार्मिक सेंसर बोर्ड एतराज करेगा? क्या धार्मिक सेंसर बोर्ड द कश्मीर फाइल जैसी नफरती फिल्मों का विरोध करेगा जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर फैलाया जाता है जिन फिल्मों के जरिए? शायद इसका जवाब देने में स्वामी जी के धर्म सेंसर बोर्ड के पसीने न छूट जाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग दहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक की बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक की बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ रख देना।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।